किया तो मैं रोन लाग रही आज, तो वो खुश को नहीं रह पावे, मतलब ही नहीं है कि ते भी धरती पर खुश रह जाएंगे, ऐसी मौत मरेंगे मैं, और आखिरी दिन याद करेंगे कि के हमने अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया था, क्यों कर उनकी आत्मा तड़पती हमने छोड़ी थी, ऐसी मौत उन्हें मिलेगी आखिरी दिन। कहने का मतलब ये हुआ जी स्त्रियां बच्चा नु कहकर भगवान का रूप है, जब भगवान ने धोखा देने लायक देनी तो उसके साथ तो बुरा होगा, बुरा बिल्कुल होगा, जब उस परमात्मा जो बनाने वाला है उसको ही तुम मतलब। जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, हाल फिलहाल आप देख सको हो भाई जो उषा जी है, मतलब उषा समाज सेवी है, अपना साथ बैठी है, क्यों बैठी है या भाई साहब अपना घर छोड़ कर ना दूसरे की हेल्प करने खातर, अपना घर छोड़ कर ना दूसरे की हेल्प करने खातर, किसी टाइम पर खाना टाइम पर मिला है नहीं भी मिला, दूसरी बात यह इस भाई की हेल्प करने खातर यह आड़ा पहुंची है बेबे, तो भाई साहब मतलब उषा के पास आपने फोन किया था कि आप पे पहुंचे हो उषा जी? मैं पहुंची हूं भाई, वीडियो देख के। अच्छा वीडियो देख कर पहुंचे है, तो नू बताबे काटिए मेरे इसने इतनी नीम पटेगी एक बार। अच्छा नू बताबे इसमें जो कर तने वीडियो देखी इसकी है, वीडियो देख तेरा मन में के आई भाई इसकी हेल्प करनी चाहिए? मेरा मन में न्यू आई भाई, वही मैंने जो छेड़ रखा लिव इन रिलेशनशिप का, ये कि मैंने कितने भी मिल जियो, चाहे कहीं का भी मामला हो हम वही पहुंचांगे, ठीक है कई बार तो हमने बुला ले हैं, पर भाई भाई नहीं जाना था मैंने, वैसे तो ये तो हमारा दोहरे का है, दूर का भी कोनी, पर भाई ने कौन मेरा था भाई, झाड़ी मजदूरी करा फोन फान भाई देखता नहीं, तो जो फोन फान देखू ना तो पता लग जाए भाई हम तक कॉन्टेक्ट कर ले हैं, तो यो भाई अपना दिहाड़ी मजदूरी करे इसने के बेरा, तो मन लग गया भाई भाई की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी भाई, उसमें बताया गया था भाई परिवार का है लड़का और 10 साल उम्र में छोटा है, और भाई दिहाड़ी मजदूरी करने लग रहा है, इसने कुछ नहीं बेरा क्या है कान्यू क्या, हमने नहीं बेरा भाई कि मैं बात हुई है ना हुई है, बस अचानक वह घर तक चली गई, तो वही मैंने भाई एक तो मतलब सही से पता नहीं था भाई क्या कुछ मामला है, जैसा वीडियो में थोड़ा बहुत सुना था वही पता था, एक तो मैं पता करेंगे भाई से, थोड़ा आश्वासन भी देवांगे भाई ने कि भाई हम खड़े हैं तेरे साथ में जी। तो बेनू बता तने कितनी देर होगी बारिश की वेट करता ना? मैंने गणी देर होगी भाई, बाहर बैठे थे हम, इनके घर के भी खड़े थे, यो कई देर तक भीतर बैठा है, रोन लाग रहा था, गेट बंद कर रखा ना, गेट खोलन लाग रहा था, बहुत मुश्किल था मतलब गेट खुलवाया, खुला था गेट यो भाई हमने खुलवाया ना, जब तो खुला नहीं था, यो पाछा खोल के ना लेट गया होगा, जब हमने हमने खुलवाया ना वो बंद था गेट, तो फिर दोबारा मैंने भी कौन हमने भी कोशिश कौन करी भाई, देखांगे कोई बाहर आओगा। कहने का मतलब ये है इसकी वीडियो देखना है, अर्जमन देखना भाई, गरीब आदमी इसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जाए तो हम पहुंचे थे। अच्छा। और वो फिर मामला वो दो बच्चा हम छोड़ के न चली गई, और ना उम्र देख दे अपने तो 10 साल छोटी उम्र का बताओ, शर्म तो उनका रहे कौन रही, शर्म नाम की तो कोई चीज है ही कौन ही, और ना उन्हें कोई मतलब फर्ज पता कि तारे मतलब के फर्ज है, जिस घर में उनकी शादी होगी सबसे पहले तो फर्ज बना है उस घर की इज्जत रखने का, दूसरा फर्ज है जिसके गले शादी होगी उसकी, और फिर यो तो सबसे वो है अहम है कि जिस जो बच्चे पैदा कर दिए, एक माँ और बच्चे का तो ऐसा रोल हुआ है मतलब वहाँ तो ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए, और आज ये भी एक कलंक मतलब लगा दिया इन औरतों ने, माँ बेटे का जो रिश्ता है उन पर भी कलंक लगा दिया, आज तक यूँ होता आया था हर रिश्ते शर्मसार हो गए थे, एक माँ और बच्चा का रिश्ता बचा था यो भी लिव इन रिलेशनशिप ना जमा नाश कर दिया, कोई माँ बच्चा का भी आपस में मोह ममता तोड़वा दी। भाई कहने का मतलब यो है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग रहे नहीं, दोबारा अगर तुम यो कदम उठाओ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला, वो पहला पता में पूछो जाएगा ना भाई तेरी जिंदगी किसी चल रही है या 90% सच है, वानुक होगी भाई मेरी तो पहला दा भी बदतर होगी, और तुम इस बात ने समझ को नहीं रही, बदतर तो होगी जिन बच्चा की वो बच्चे भगवान का रूप हुए हैं, देखो आदमी लोग आई है उनके तो चल भाई 100 आदमी का काला होगा 100 लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं भगवान का रूप है उनका के कसूर था, जो बिना कसूर उन सजा मिली है ना उन बच्चा की, और जो उनकी आत्मा रोन लाग रही आज तो वो खुश को नहीं रह पावे, मतलब ही नहीं है कि ते भी धरती पर खुश रह जाएंगे, ऐसी मौत मरेंगे मैं, और आखिरी दिन याद करेंगे कि के हमने अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया था, क्यों कर उनकी आत्मा तड़पती हमने छोड़ी थी, ऐसी मौत उन्हें मिलेगी आखिरी दिन। कहने का मतलब ये हुआ जी स्त्रियां बच्चा नु कहकर भगवान का रूप है, जब भगवान ने धोखा देने लायक देनी तो उसके साथ तो बुरा होगा, बुरा बिल्कुल होगा, जब उस परमात्मा जो बनाने वाला है
उसको ही तुम मतलब अंधकार में वो कर रहे हो कि भाई हमें सब कुछ हो गया आज, उसके बनाए हुए जो भी संस्कार थे एक माँ बेटे का जो रिश्ते थे उन आज शर्मसार करण लाग रहे हो, तो कहाँ सुख मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। और एक और बात बता रही हूँ, ये जो पाप धरती पे ओण लग रहा है ना, जो ऐसे बच्चा ने पैदा कर करके छोड़ के जान लग रही हो, जो इन बच्चों की आत्मा दुखन लग रही है या प्रकृति भी उसका नतीजा देने लग रही है। आज इन दिनों में कदे देखी थी क्या बारिश? और मतलब आपने देखी होगी गर्मी में तो जाडा बना दिया, जाडा में गर्मी बना दी, और ऐसे ऐसे कभी कोरोना वायरस कभी कुछ, ये प्रकृति भी सजा देने लग रही है। भाई कहने का मतलब यो है भाई, जिसा करांगे उसाई भरांगे, सीधी बात यह है। इस भाई गला जिसा कर रख्या है वह भी उसाई भरेगे आने वाला टाइम में। भाई साहब ईव तेरी वाइफ अगर तेरे पास आना चाहवे तो के कहना चाहूगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा माफ करेगा कुछ रखेगा को नहीं रखे, मैं तो उसको रखने के लिए तैयार हूँ, अगर आवाज आती है तो कोई दिक्कत नहीं। रोना जब ये हम रखने तैयार है, मजबूरी है इनकी, वो बालक दिखे हैं, आज बालक नहीं होते न उसका वो आजर न तो भी कौन बटन देर उसने, उन बड़का खातर ये बाप इतने मजबूर हो गए कि दोबारा रखने में तैयार हो रहे हैं कि भैया ठीक है वापिस आ जाएगी तो हम रख लेंगे, मजबूरी हो रही इनकी, और ना फायदा उठाओ इनका। मैं कहने का मतलब ये है कोई भी आदमी दूसरा लेडीज गलर हुआ है और फिर जो यो भाई दोबारा नहीं उती अपनान न तैयार है यार, गैर मर्द के रहने का बावजूद भी इस तो बड़ी केस हुआ होगी यार। तमें नु कह दो फिर उसे एक बात बता दे, जो इन लोगों को है नहीं मैं तमना यही न्यूज पावे है, मतलब यही वीडियो पावे है जो बनावे है, एक बार उनती नु बता दे भाई लास्ट में इनका पास कि मैं चारा नहीं रंदा नहीं थाने तहसील लेकर कने जो भी है या कैमरा शामी आवे है। ये भाई 15 दिन हो गए गए ने ई भी कैमरे के सामने आया है भाई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर दी इनकी, कहीं कोई इनके पास रास्ता नहीं बचता। जब ये आखिरी रास्ता अपनाते हैं मीडिया का, और मैं एक बात बताती हूँ, ये ऐसे ऐसे भाई मीडिया पे आते हैं तो उसका कुछ फायदा भी है, ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ संदेश मिले, घटना भी है कम हो सके। हाँ कुछ ना कुछ लोग देखे हैं सुने हैं तो कुछ ना कुछ कम हो सके भाई, कितनी बेइज्जती हो फिर मीडिया के ऊपर ये जावे, जब ये तो नू सोच के चले जावे तारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन ऐसे और ऐसे मैं तो कह रही हूँ ऐसे ऐसे को मीडिया के ऊपर ले आना चाहिए, इनकी बेइज्जती करो ले आके ना खड़े करके ने, जब दूसरे का कुछ अक्ल लगेगी। तो भाई लास्ट में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों? मैं तो सारे दर्शकों ये कहना चाहता हूँ जी देखो पूरी कोशिश करके मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, कहीं कन्फर्म लगे तो कहीं स्टेशन में बस स्टैंड में कहीं भी शहर में तो मेरे को सूचित किया जाए, अरे ये नंबर मैंने को बता दिया। अच्छा तो ये भूषा जी आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे दर्शकों ने, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ भाई, ये जिन भी भाइयों गल भाई के भाई जिनका गला भी ये जावे न जो ले के जावे हैं वो थोड़ा बहुत दिमाग नू लड़ाई लिया करो, अगर तारा में थोड़ा बहुत हो तो कि ये जब अपने बड़का की नहीं होंगी तो तारी के हो जाएगी, तम सोच देनी थोड़े बहुत, जब ये अपने बड़का ना छोड़ के आस कहें तो ये तारी कुकर हो जाएंगी, तारा के कुकर मतलब 7 जन्म निभा देंगी, ये 7 जन्म तो दूर है, 1 जन्म को नहीं निभा सकती। चलो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और इस भाई की पुकार और जो उषा बेबे है इसकी पुकार सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।